आज है 8 अगस्त और आज मेरा जन्मदिन है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिसने भी मेरे को विश किया है मेरे बर्थडे पे, उसको बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। ब्रेक मार के देखे तो ABS नहीं लगी थी, बाइक स्किट हो गई थी, मैं गिरता गिरता बचाऊँ। हेलमेट हाथ में लगा रखा और चला कैसे रहा है? मैं भूत दिखे, जब एक्सीडेंट होगा ना खोपड़ा फट जाएगा तेरा। हेलमेट पहन ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइडर एकांश। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। और भाई साहब, बारिश पे बारिश हो रही है, क्या हालत हुई पड़ी है। तो आज है 8 अगस्त, 8 अगस्त है आज और आज मेरा जन्मदिन है। जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इंस्टा पे जो फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिसने भी मेरे को विश किया है मेरे बर्थडे पे, उसको बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी का अगर मैं रिप्लाई, वैसे तो मैंने सभी का रिप्लाई दिया है, अगर नहीं किया होगा तो प्लीज आई एम सॉरी, जहाँ तक मैंने सबका रिप्लाई कर दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस बर्थडे विश करने के लिए, इतना स्पेशल बर्थडे बनाने के लिए, आपके विशेष के लिए। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आपके जो भी सपने हैं ऊपर वाले इतनी हिम्मत दे आपको कि उसको आप सच कर सको, अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको, खुश रह सको। आज तो वैसे मैं बहुत टाइम से मैंने कोई डेली ऑब्जर्वेशन का ब्लॉग नहीं डाला है, तो आज ऑब्जर्व करते हैं कि सड़क पे क्या मिलता है। सबसे पहले तो मेरे को पेट्रोल डलवाना है, तो सबसे पहले मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। कैमरा वैसे तो वाटरप्रूफ है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं, बस यही है कि सेफ रहे, कोई दिक्कत ना हो इसमें। पेट्रोल में दिखा देता हूँ पेट्रोल कितना है, रिजर्व में लगी पड़ी है, ये भी ब्लिंक कर रही है। भाई साहब इतना तो मैं कभी रखता ही नहीं अपनी बाइक में पेट्रोल, एक्स्ट्रा डालना है, फुल कर देना। तो पेट्रोल भर चुका है, 1110 रुपए का पेट्रोल आया है इसमें, 10.7 समथिंग लीटर कुछ आया है। टैंक फुल रहता है तो मजा आता है भाई, बढ़िया लगता है। और मैं बता दूं आपको कि सुबह से तो नहीं, दोपहर से ही बारिश पड़े जा रही है, मतलब 12-1 बजे के आसपास से बारिश पड़ी जा रही है। मैं दिल्ली गया था आज दोपहर में, तो मैं भाई पूरा भीग गया, पूरा यहाँ से जाते वक्त ही भीग गया था। अब ये सोचो वहाँ से आते वक्त भी पूरा भीगा हूँ, भीगा ही रहा हूँ मैं, और अब भी बारिश नहीं रुक रही है, अब भी बारिश लगातार हो ही जा रही है। मैं दिल्ली गया था तो मैं जैकेट पहन के गया था, लेकिन जैकेट भीग गई थी, तो इस वजह से मैंने उसको बाथरूम में धोने डाल दिया। भाई भीगी हुई पहन के कहाँ जाता, अब तो वैसे मैंने ये पीछे डाल रखी है। आज तो वीडियो के इसके कैमरे के लेंस पे भी पानी के वो स्पॉट आ रहे होंगे, वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए गाइस सॉरी। मैं बस यहाँ से ऐसे ऐसे करके साफ कर सकता हूँ, वो तो बार बार आएंगी चीजें, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बता दूं आप लोगों को कि 8 अगस्त को जिस दिन मेरा बर्थडे होता है ना, उस दिन बारिश 101% पड़ती है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, जब से 8 अगस्त को, तो हमेशा बारिश पड़ती ही पड़ती है, कुछ भी हो जाता है, चाहे हल्की सी बूंदाबांदी भी हो, बट पड़ेगी जरूर। अरे हाँ, एक बात आपको इम्पोर्टेंट बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। आज जब मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, तो क्या हुआ कि नॉर्मल जो ABS लाइट होती है ना, इसमें जो जलती है ABS लाइट, वो खड़ी हुई पे जलती है। जब बाइक खड़ी होती है तब आपकी ABS लाइट जली हुई होती है, यानी कि ABS लाइट जलने का मतलब ये होता है कि आपका ABS बंद है, अभी एक्टिवेट नहीं है। जब गाड़ी की स्पीड 5 या 10-20 स्पीड से ज़्यादा होती है, तब वो ABS लाइट ऑफ हो जाती है, यानी कि आपका ABS सिस्टम काम करना शुरू कर रहा है, यानी कि आपका ABS सिस्टम काम कर रहा है। तो क्या हुआ, चलते चलते इतनी नॉर्मली इतनी स्पीड थी, तो ABS लाइट जो है अपने आप अचानक से ब्लिंक होने लगी। मैं घबरा गया कि भैया ये ब्लिंक क्यों कर रही है, फिर मैंने ब्रेक मार के देखे तो ABS नहीं लगी थी, बाइक स्किट हो गई थी, मैं गिरता गिरता बचाऊँ। तो मैं भैया घबरा गया, ये तो भाई ABS खराब नहीं हो गया मेरा। फिर मैंने बाइक रोकी, हाथ से चाबी से ऑफ किया बाइक को, और फिर ऑन किया, तब वो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, मुझे नहीं पता किस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी ABS के अंदर। शायद हो सकता है कि बारिश में लगातार राइड करने की वजह से, पानी में जाने की वजह से ये दिक्कत आ गई होगी, इसके सेंसर वगैरह में कुछ दिक्कत आ गई होगी। बाकी बाइक मेरी तो जान निकल गई थी यार, वैसे ही पैसे नहीं है, ऊपर से खर्चा भाई नहीं झेल पाऊंगा इतना बड़ा खर्चा। भाई अभी आपकी भी बाइक में अगर ABS है और ये दिक्कत आई है आपको भी, तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताना कि ये क्यों आती है, क्या हुआ होगा, तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा। बारिश में चलाइए ना, तो ये बहुत ज्यादा शोर
चम्मच आने लग गई, क्योंकि इसकी चैन पे ना जो ऑयल लगा था वो खत्म हो चुका है। अब इसको दोबारा से लूब करना पड़ेगा मेरे को। बहुत दिनों से बाइक मैंने धुलवाई भी नहीं है, बहुत गंदी हुई पड़ी है। अब बारिश के चक्कर में मैं क्या धुलवाऊँ यार, बारिश होती है फिर ये गंदी हो जाती है, तो धुलवाने का कोई मतलब ये मैं ऐसे कपड़ा पा देता हूँ। अब फिर बारिश पड़ गई, बीच में रुकी थी कुछ दिनों से, अब मैं धुलवाऊँ तो कैसे धुलवाऊँ। और गंदी बाइक ना मेरे से देखी नहीं जाती, बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे मर्जी मन किया वैसे क्रॉस कर दिया यार, अब क्या कह सकते हैं यार, सारा सिस्टम ही बिगड़ा पड़ा है, किस किस को बोलेंगे। एकदम ब्रेक नहीं मारा जाता भाई, एकदम ब्रेक नहीं मारा जाता, ऊपर से मिट्टी पड़ी है ना तो फिसल जाती बाइक। हाँ स्विमिंग पूल, You know, I become a fish when I'm in a pool. I just love the feeling. I like swimming. Hey, CNG, yani congratulations. दोस्तों मेरी वीडियो पे ना आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छी मतलब ग्रो कर रही है मेरी वीडियो सारी की सारी, तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन जरूर दबा देना जो उसके साथ में होता है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, कमेंट करना बढ़िया सा यार, शेयर भी किया करो यार, 1K बच रहे हैं, बस 1K करवाओ जल्दी से। A few moments later. ये देखो इस बंदे को देखो, हेलमेट हाथ में लगा रखा और चला कैसे रहा है ये देखो। और मार के ये अपना भूत दिखे, जब एक्सीडेंट होगा ना वो बड़ा फट जाएगा तेरा, हेलमेट पहन ले। ये देखो करता हूँ यहीं पे एंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए बढ़िया सा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।